हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर एन के जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सभी कार्य परिषद के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विषयों के 118 शोधार्थियों की बाह्य परीक्षा द्वारा संस्तुति की गई और शोध उपाधि सूची का कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। कृषि एवं वन विज्ञान का नाम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री किए जाने के संबंध में परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में राजकीय निजी संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2019-20 और 2020-21 की नवीन अस्थायी संबद्धता विस्तारण के लिए प्राप्त स्वीकृति पूर्वानुमोदन पत्रों पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। DSB परिसर नैनीताल और भीमताल परिसर में विभागाध्यक्षों और संकाय अध्यक्षों, विज्ञान संकाय का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप की गई नवीन नियुक्तियों का कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।